एक फोकस मेरा वेरी बात चेंज हो रही है. जब आपको पता हो कि आप 140 प्लस बॉल कर रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर आप कोई 140 प्लस बॉलर ऐसा हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नेगलेक्ट हो सकता है कि यार वो अच्छी क्रिकेट जरूर खेल सकता है. तो बस ये एक माइंड में था. जब PSL खेला उसमें भी अपनी एक टारगेट था कि 140 प्लस एवरेज से बॉल करता रहूं. तो अभी भी अलहमदिल्ला जैसा मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूं कोच माइंड में यही होता है कि यार अपनी जो पेस को वो मेंटेन रखूं. तो अपनी ट्रेनिंग फिटनेस है वो अलहमदिल्ला मेंटेन है. तो अभी जो जिस तरह 150 टच किया बिग बैश में, तो 150 टच करना मेरे माइंड में नहीं होता. वो आप मैक्सिमम जिस स्पीड जितनी भी हो जाए वो एक अलग बात है, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी बॉल होती है वो 140 प्लस बॉल करना मेरा टारगेट ये होता है. किसको आउट कर रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश में अलहमदिल्ला हम ज़्यादा फेवरेट है हमारी टीम. जारी बात अपनी टीम को बंदा सपोर्ट करता है. तो टारगेट तो कोई भी नहीं होते. जब ग्राउंड में बंदा जाता है मैच की सिचुएशन देखता है फिर उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है. तो अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया. तो खतरे की लामत कोई ऐसी खतरे की लामत नहीं. हारिस, मेन पहचान आपकी PSL है, उसके दौरान उसके बावजूद कुछ फ्रीज में आपने तो बाकी जो अच्छे परफॉर्मेंस थे उनको कंसिडर नहीं किया गया, तो उसमें दूसरी हुई थी. मैं आपका सवाल सही समझा प्लीज़. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज हुई है मगर मेन आपकी पहचान PSL थी. ऑलमोस्ट एक साल गुजर चुका है, अच्छा परफॉर्म किया मगर उसके बावजूद कंसिडर नहीं किया गया था. BPL की परफॉर्म पे आपको कंसिडर किया गया. PSL की बरियात पे कुछ मायूसी हुई थी आपको कि परफॉर्म करने के बावजूद आपको कंसिडर नहीं किया गया? नहीं, मुझे उस टाइम कोई मायूसी नहीं हुई थी. मेरा टारगेट जाहिर बात है जब मैं T20 में मैंने PSL में परफॉर्म किया था तो वनडे में मैं जाहिर बात उस तरह शायद उस टाइम मैं फिट नहीं था या मैं उस तरह अपने आप को समझ नहीं रहा था कि मैं वनडे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ. बट मेरा टारगेट था T20 वर्ल्ड कप और उसी पे फोकस था. अभी तक उसी पे फोकस है कि अभी जिस तरह अभी खेल के आ रहा हूँ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, तो मुझे नहीं लगता कि यार कि आपको अगर आप परफॉर्म करते रहो तो आप अपसेट हो. जब आपको मौका मिले आप उतना 100% दो. क्रिकेट में अगर पाकिस्तान टीम में जब आते हो तो ऑब्वियसली एक बंदे का टारगेट होता है कि यार अपनी कंट्री को एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करें और जितना अच्छा पाकिस्तान के लिए एक नाम बनाएं उसके लिए अपने नाम बनाएं साथ अपनी कंट्री का नाम बनाएं. तो इंशाल्लाह अपनी फोकस यही है कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो. T20 से स्टार्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंशाल्लाह आगे भी वनडे में चांस मिला, टेस्ट को चांस मिलता है तो इंशाल्लाह अपनी कंट्री के लिए. हारिस, थोड़ी धड़कने तेज हुई हैं क्योंकि आप दो लीग्स के अंदर तो एक अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल चुकी हो, धड़कने थोड़ी तेज हुई हैं? देखें जारी बात है एक लीग्स खेलना और कंट्री के लिए खेलना एक दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. और एक कंट्री के लिए आपकी और डिफरेंट माइंड्स, आप जारी बात है जब ग्राउंड में होते हो अपना क्राउड है, जैसे अभी हमारी होम सीरीज है तो इसमें जब अपना क्राउड होगा तो एक इंसान को अपना बूस्टअप मिलता है कि यार सारा अपना क्राउड है ना, कि प्रेशर लूँ इस चीज़ को, एक इसको पॉजिटिव थिंग में जाके अच्छा परफॉर्म करूँ. देखिए जब मैं डे बॉल खेलता था सारी बातें एक डे बॉल में मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है मैंने पाकिस्तान के अंदर, बट जब मैं ट्रायल्स के बाद सिलेक्ट हुआ था तो मैंने डे बॉल उस टाइम छोड़ चुका था. तो ऑब्वियसली दो साल हो चुके हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में हूँ, अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और जाहिर बात है कि अच्छी क्रिकेट खेलते खेलते आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे फ्यूचर में भी अच्छी क्रिकेट खेलता रहूँगा. देखें जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो किसी भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली एक आपकी परफॉर्मेंस को रिगार्ड जरूर दिया जाता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब परफॉर्म कर रहा था इतना एक आइडिया था कि यार इंशाल्लाह इस दफ़ा जो सीरीज़ होगी अगर बांग्लादेश की टीम आती है तो उसमें अपना नाम आ सकता है मेरा. देखिए सबसे पहले तो अल्लाह तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो एक तो बिग बैश में परफॉर्म करना और कंट्री के लिए परफॉर्म करना एक अलग बात होती है, उसकी अलग फीलिंग होती है. और जितना अपने कंट्री के लिए बेस्ट करना चाहूँगा ज़रूर करूँगा. किसको कर रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि हमारी टीम जारी बात अपनी टीम को बंदा सपोर्ट करता है. तो टारगेट तो कोई भी नहीं होते. जब ग्राउंड में बंदा जाता है मैच की सिचुएशन देखता है फिर उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है. तो अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया. तो खतरे की लामत कोई ऐसी खतरे की लामत? हारिस, देखिए जिस तरह मैं लाहौर के अंदर के ट्रायल से सिलेक्ट हुआ था दो साल जो पहले 2017 में जब प्ले डोल प्रोग्राम गुजरवाला में थे तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ. उसके बाद जब मुझे इतनी पता चली कि यार मेरी इतनी स्पीड है तो फिर मैंने एक फोकस मेरा जारी बात चेंज हो रही है. जब आपको पता हो कि आप 140 प्लस बॉल कर रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर आप कोई 140 प्लस बॉलर ऐसा हो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नेगलेक्ट हो सकता है कि यार वो अच्छी क्रिकेट जरूर खेल सकता है. तो बस ये एक माइंड में था. जब PSL खेला उसमें भी अपनी एक टारगेट था कि 140 प्लस एवरेज से बॉल करता रहूं. तो अभी भी अलहमदिल्ला जैसा मैं जो भी ट्रेनिंग करता हूं कोच माइंड में यही होता है कि यार अपनी जो पेस को वो मेंटेन रखूं. तो अपनी ट्रेनिंग फिटनेस है वो अलहमदिल्ला भी मेंटेन है. तो अभी जो जिस तरह 150 टच किया बिग बैश में तो 150 टच करना मेरे माइंड में नहीं होता. वो आप मैक्सिमम जिस स्पीड जितनी भी हो जाए वो एक अलग बात है, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी बॉल होती है वो 140 प्लस बॉल करना मेरा टारगेट ये होता है. वकार भाई के साथ मुझे एक मौका मिला तो जहरी बात है एक आके भाई भी लेजेंड थे, वकार भाई भी लेजेंड ही हैं
और इनसे जो कुछ सीखने को मिला इंशाल्लाह जरूर सीखूंगा। जारी बात है कि ये भी जिस तरह मेरा डेथ बॉलिंग करता हूँ या रिवर्स मेरा यॉर्कर रिवर्स हो रहा था, पुराना बॉल है तो विकार वे का इतना अच्छा रिवर्स, जारी बात है विकार वे का अच्छा होता था तो जो जिस तरह उनका कंट्रोल के साथ रिवर्स बॉल होता है तो कोशिश करूँगा वो और परफेक्ट करूँ। तो देखते हैं अभी विकार वे से इंशाल्लाह काम करूँगा, उम्मीद है कि अच्छा कुछ सीखूँगा इनसे। उसमें एक जो अपना एक स्टाइल किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट वो मुझे खुद ही फील हुआ था और कि यार मैंने एक गलत किया है, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको तो उस चीज़ को गलत समझा जाता है। तो नेक्स्ट मैच में जब मैंने अपना उस जब टिपिकली पाकिस्तानी स्टाइल में जब अदाब जिस तरह आप कहते हैं जो, तो उस तरह मैंने कहा चलो अपनी जो गलती है उसको अपोलोजाइज करता हूँ और नेक्स्ट मैच में अपना स्टाइल चेंज किया। ट्रैक सूट और ट्रैक सूट पाकिस्तान का जहरी बात है एक हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि यार अपने कंट्री के लिए खेलना और उसको जहरी बात है एक सितारे के लिए खेलना, तो इसके लिए एक मौका मिला है और इंशाल्लाह इसकी जो खुशी है वो अलग है, डिफरेंट है। अच्छा हारिस